हे भोलेनाथ जी, मेरी मदद करना, इसकी जान बचाना बस। जान बचाने के लिए। तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं, आप ठीक हो? तू ठीक है ना? तो बस मैं भी ठीक हूं। थैंक्स अ लॉट, आपने जान बचाई। भाई, इसी ने जान बचाई ना? शी इज सो प्रिटी। हे भगवान, जॉब के लिए निकली थी, पहले दिन लेट हो गई। इस लड़की को कहीं तो देखा है। कहीं जाना है आपको? हाँ तो जाएगी ना, यहाँ क्यों रुकेगी? आई नो दैट ब्रो, बट आई वॉन्ट टू नो वो कहाँ जा रही है। जान बचाई है, लिफ्ट दे देते हैं ना। हाँ, एक काम कर, पीठ पे बिठा के लेके जा। वैसे तुझे उसे लिफ्ट देने में इतना इंटरेस्ट क्यों है? भाई, उसने मुझे लिफ्ट किया है, जान बचाई है, तो लिफ्ट तो दूंगा ना। हाँ, एक काम कर, उसी साहब को बुला ले और उसी से फ्री राइड मांग ले। अबे तू क्या उसे लिफ्ट देगा, हमें खुद लिफ्ट की जरूरत है। मांगता हूँ ना सबके लिए। अरे आगे आगे, गाड़ी आगे। हाय, एक्चुअली हमें लिफ्ट चाहिए थी। उसको दे सकता हूँ, तुम दोनों चाहो तो पीछे से वॉकिंग आ जाओ। जब नागिन अपना बदला लेगी, उसकी आंखों में वो चेहरा दिखाई नहीं देगा, सिर्फ वो जगह पता होगी। आपको उसे ढूंढना है, उसे पहचानना है और फिर बदला लेना है। 20 असुर जब आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें ढूंढ लोगे, आप उनको मार देंगे, उसके बाद हमें मिलेगा अमृत, उसके बाद शुरू होगा अमृत मंथन। हमें अमृत मिलेगा, हमारा देश इस विष से आजाद हो जाएगा, ये महामारी चली जाएगी। तो कैसे मिलेगा वो पहला चेहरा? सिर्फ आपके छूने से हमें पता चल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ शेष नागिन की शक्ति से, क्योंकि आपके अंदर है वो नागमणि की शक्ति, और आपकी शक्ति हमें बताएगी कि हमें हमारा पहला असुर कहां मिलेगा। मिल गई वो जगह,
मिल गई वो जगह जहां हमें हमारा पहला देशद्रोही मिलेगा, वो असर जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। जैसे जैसे आप उसके पास जाती रहेंगी, आपको कुछ ना कुछ और उसकी शिनाख्त मिलती जाएगी। लेकिन ये जगह है कहाँ? वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी आंखों की शक्ति से जो जगह दिखी, तो शेष नागिन की आंखों से जो शक्ति निकली, उससे वो जगह पता लगती है जहां शादी है। शादी की जगह पे हमें हमारा देशद्रोही, हमारा पहला असुर जरूर मिलेगा। ऐसे 20 लोग मिलेंगे जिनके मिलने के बाद होगा अमृत मंथन। 20 लोग, 20 चेहरे, 20 असुर जब हमें मिल जाएंगे, जब आप उन्हें मार दोगी, तो उनके चेहरे इन असुरों के चेहरों पर आ जाएंगे। ये वही 20 असुर हैं जो हमारे देश में महामारी फैला रहे हैं, हमारे देश के दुश्मन। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे देश को बेचा है। लाखों करोड़ों लोग मर चुके हैं और हम इन्हें नहीं जानते। सिर्फ जगह पता है, पर उस जगह पे असुर कौन है ये मुझे पता लगाना है। और आप पता लगाएंगे। हजारों साल की तपस्या में जो मुझे जिंदगी मिली है, मैं इस जिंदगी से हर एक देशद्रोही को ढूंढूंगी और उसका सर्वनाश करूंगी और इस देश का बदला लूंगी। बदलपुर शहर में मिलेगा पहला असुर। एक्सक्यूज मी, किसी को लिफ्ट चाहिए? यस यस मैम, प्लीज। थैंक यू। एक्चुअली हमारी गाड़ी इधर पीछे खाई में गिर गई, सो उन्होंने हमारी जान बचाई। उनकी बस मिस हो गई इस वजह से, सो क्या आप हम तीनों को आप घर ड्रॉप कर देंगे? घर में फंक्शन है, लेट हो रहे हैं, प्लीज। या ऑफ कोर्स आई विल गिव यू लिफ्ट, कम। एक्सक्यूज मी, आप कब तक पैदल चलेंगे? हमें लिफ्ट मिल गया, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। मुझे ऐसे अजनबियों की गाड़ी में जाना पसंद नहीं। आप चले जाइए, मैं बस में ही जाऊंगी। अरे ले लीजिए लिफ्ट प्लीज, हम शरीफ लड़के हैं एंड प्लस पॉइंट ड्राइवर लड़की है। मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी। आपने हमारी जान बचाई है, हम आपको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? और सोचिए ना, अगर वही गाड़ी वाला वापस आ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। ठीक है, चलती हूँ। थैंक यू। अरे आप, मैं रास्ते में ही हूँ। आई कॉल यू बैक लेटर, ओके? अगर किसी को पता चल गया मुझे कल पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, तो मुझे मिलने वाली ये नई जॉब मिलने से पहले ही चली जाएगी। हमारे घर यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट है। डन। की लगता है आपको कोई याद कर रहा है। शायद मेरी प्रॉब्लम्स वही मुझे याद करती रहती है। फनी। ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे है तू? हिचकी बंद कर रहा था। इसे ना शॉक ट्रीटमेंट कहते हैं। इससे हिचकी रुक जाती है। किसी के इतने करीब आ जाओ, उसकी आंखों में देखो घूर के। हिचकी कौन? तेरी हिचकी शुरू हो गई। आइंदा से किसी लड़की की हिचकी रोकने के लिए उसके इतने करीब मत जाना, समझा? कितना खड़ूस है ये। मैंने आपको कहीं देखा है? मुझे? दो दिन पहले, 26 जनवरी। आप यहीं पे गाड़ी रोक दीजिए, मैं यहीं से चली जाऊंगी। पर यहाँ पर तो कुछ नहीं है। हम आपको ड्रॉप कर देते हैं, that's not a problem. नहीं, वो बस यही लेफ्ट में ही तो मेरा इंटरव्यू है, ज्यादा दूर नहीं है, मैं चल के चली जाऊंगी। थैंक यू फॉर द लिफ्ट। ओह गॉड, इंटरव्यू का तो एग्जैक्ट लोकेशन मुझे भी नहीं पता। यहाँ से लगता है उस लड़के ने मुझे उस रात देख लिया था।
अगर इंटरव्यू पे जा रही हूँ वहाँ किसी को पहचानता होगा, वहाँ बता दिया तो पिछली जॉब भी इसी वजह से चली गई थी। हे भगवान, वो ऐसे अचानक बीच सड़क में कार रुकवा कर क्यों चली गई? हर इंसान के चेहरे के पीछे कुछ राज छिपे होते हैं। हर चेहरे की अपनी एक कहानी होती है जिसे लोगों से वो अक्सर छिपाते फिरते रहते हैं। मैंने कुछ कहा क्या? नहीं, मैं अनकहीं बातें भी सुन लेती हूँ। तो आपकी क्या कहानी है? आपके चेहरे के पीछे क्या राज है? कभी फुर्सत में बताऊंगी। वैसे तुम दोनों बताओ, तुम दोनों के साथ हुआ क्या था? वो इसे गाड़ी में कोई सांप दिखा। सांप? आई डोंट नो वो था या नहीं, मतलब ऐसा लगा कि एकदम से है, आई डोंट नो गायब हो गया। ओ, इच्छाधारी नागिन हो गई। लाइक सीरियसली, आप इन सब बातों में मानती हैं? सुना है। आरती, आज आरती भी मन लगा कर नहीं की जाएंगी। आगे तो पूरी स्टाफ पर टिकी हुई थी कि वो काम बराबर कर रहे हैं कि नहीं। ललित जी, मेरे बेटों की शादी है, जाहिर सी बात है काम बहुत होगा घर में, सारे काम तो मुझे ही करने हैं। आज विक्टर के मुझे कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं लग रही। वो तो हो गए ना पुन्नू जी, अब तक दोनों बेटे जो नहीं आए। जिनके मिजाज मौसम की तरह बदलते उन्हें सिर्फ वही लोग कंट्रोल कर सकते, वो दोनों, और वो दोनों नहीं आए। आपका क्या कहा है? मेरे दोनों बेटे, मैं भी यही सोच रहा था कि कहाँ रह गए दोनों। क्या उन्हें पता नहीं कि उनकी माँ घर में इंतजार कर रही होगी? वो माँ जिसकी एक नजर से सारा घर थर थर कांपने लगता है, वो नहीं कांपे? इतनी हिम्मत अभी तक नहीं आए? उनको याद नहीं है कि उनकी सगाइयाँ आपकी बेस्ट फ्रेंड की दोनों बेटियों के साथ हो रही है? कितना इम्पोर्टेंट दिन है आपका। डोंट वरी जान जी, मैं आपके साथ हूँ, बैंड बजा देंगे दोनों की। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? एक्सीडेंट? ओह माय गॉड, तुम लोग ठीक तो हो ना? अरे मॉम बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, वजह क्या थी? मैं समझाता हूँ आपको। हम लोग सड़क बहुत खराब है, ठीक है मैं कुछ करती। माँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है मॉम, सड़कें एकदम टॉप क्लास थी। यहाँ पे रीजन ये है कि हम जा रहे थे और गाड़ी के आगे ना एकदम से और भाई से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और हम सीधा खाई में। खाई में? तुम दोनों सच्चे ठीक हो ना? मतलब हाँ, फिर एक सुंदर बहादुर लड़की आई, उसने बचा लिया हमें, स्मार्ट काम किया। लेकिन अब तुम दोनों वही करोगे जो मैं चाहती हूँ। माँ मैंने आपसे कितनी बार बोला मुझे फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे भी कुछ नहीं सुनना है। मैंने तुम्हें आर्मी ज्वाइन करने की परमिशन की थी, लेकिन अब तुम दोनों वही करोगे जो मैं चाहती हूँ। और ये सब कुछ क्या है, लड़की वड़की, व्हाट इज दिस? मॉम सिचुएशन ऐसी है भाई, ये सोच रहे हैं मुझे शादी का घर है, जाओ जाकर जल्दी तैयार हो जाओ। सांप गायब हो गया कैसे? अरे दादी, सांप कैसे गायब हो सकता है? अरे हो सकता है पापा, कहीं वो इच्छाधारी नागिन तो नहीं थी? वो इच्छाधारी नागिन कैसे हो सकती है? मेरा बेटा है या नहीं? अरे चाचू, बेटा इच्छाधारी नागिन होती है क्या यार? चाचू कल आप सबको भूतों की कहानियां सुना रहे थे और आज इच्छाधारी नागिन, ऐसी चीजें होती है? अच्छा कौन सी चीजें होती है? सांप, वो सांप वहां से गायब हो गया था ना, तुम लोगों ने देखा था ना? अगर होता तो जरूर देखते। मैं बोल रही हूँ ये सच है, वही दादी था। सांप या नागिन जो भी थी, तुम दोनों का पीछा तो नहीं कर रही थी ना? इच्छाधारी नागिन अगर किसी का पीछा करे या वार करे, वो अपना बदला लेने के लिए करती है। तुम दोनों ने तो कुछ किया नहीं था ना उसके साथ? बहुत क्यूट हो। फिर तुम दोनों के पीछे क्यों पड़ी है? आज पूर्णमासी की रात है, यानी पूरे चांद की आधी रात, और आज की रात हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा, और आज की रात नाग नागिन की शक्ति बहुत बुलंद होती है। शेष नागिन का विष जैसे ही असुर के चेहरे पे जाएगा, हमें हमारा पहला सुराग मिलेगा। नागमणि की शक्ति शेष नागिन में, इसलिए शेष नागिन से कोई सुराग मिल सकता है।
एक असुर की कुछ एक शनाख्त जिसे वो पता करे। मिल गया सुराग, उसका एक पैर टूटा हुआ, इसका मतलब पहले असुर का एक पैर नकली है। तुम्हें जैसे ही वो मिलेगा, देश का दुश्मन, देश का द्रोही, जैसे तुम जान जाओगे कि वही असुर है, उसका चेहरा इस असुर के चेहरे पे आ जाएगा। जैसे जैसे तुम्हें असुर मिलते जाएंगे, उनके चेहरे इस पेंटिंग पे आते रहेंगे और उनका खुलासा होता चला जाएगा। क्या कहना चाहता था वो आदमी, क्या लिखा हो सकता है बागी के आधे मैसेज में? वो आदमी जो आज मैसेज लेके आया था, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तो कुछ भी पता नहीं चला। तो पता लगाओ। हरी अप फास्ट, तुम्हें समझ आ रही है बात? देश पे आई हुई खतरे की, और इस देश की हर एक जान हमारी जान से कहीं ज्यादा कीमती है, और उनकी रक्षा करना हमारा धर्म। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मैसेज का और देश में चल रही महामारी का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हे भगवान, इसे भी अभी टूटना था। अरे भाई, मैंने सुना है उस गांव में 5 लोग बीमार पड़ गए। हाँ, ये महामारी बहुत ही तेजी से फैल रही है, तो तुम दोनों अपने हाथ साबुन से बार बार धोते रहना। और ये भी सुना है, ये बीमारी किसी एक को हो और वो किसी और को छू ले तो ये उसे भी हो जाएगी। इसीलिए कह रहा हूँ तुम लोग अपने हाथ से ग्लव्स निकालना नहीं। चलो अब काम करो। थी तुम, मेकअप शेकअप हेयर वेयर सब कुछ मुझे ही करना पड़ा, यहाँ तक कि डेजी को भी मैंने ही कौन किया। चलो इनविटेशन दूँ क्या तुम्हें? और सुनो, मुझे ना 21 साल की ही दिखना है, अगर उससे ज्यादा एक दिन भी मैं दिखी ना तो तुम यहाँ पर एक दिन नहीं रुकोगी। जल्दी शुरू कर। अच्छा, पहले क्या करेगी? मेकअप करेगी, हेयर करेगी कि टचअप करेगी? एक काम कर, नेल पॉलिश से शुरू कर। अरे चल जल्दी कर, मुझे लेट हो रहा है। और अच्छे से तैयार करना, मैं बिल्कुल हीरोइन जैसी दिखनी चाहिए। चल जल्दी कर। ये मैं कहाँ फंस गई, ये मैं कहाँ फंस गई? जल्दी करना। अरे जल्दी करना निगोड़ी, ये क्या कर दिया तूने? नेल पॉलिश नेल्स पे लगा दे कि हाथों पे लगा दे, इतना भी नहीं पता तुझे? मैं तो जब भी सबक सिखाती हूँ। रुक। मैनेजर। यस मैम। मैनेजर, ये कैसी लड़की लेकर आ गए आप, जैसे नेल पॉलिश तक नहीं लगाने आती? हाँ, कौन है ये? सॉरी मैडम, मैं लेट हो गई हूँ, जल्दी से मेकअप स्टार्ट कर देती हूँ। तू पार्लर वाली है? तो ये कौन है? अब समझी मैं, शादी ब्याह का घर है तो तेरे जैसी चोरनियां तो छुप छुपा के घुसी आती है ना चोरी करने के लिए इस घर में। जरूर तूने कुछ ना कुछ तो चोरी किया ही होगा। तू पहले इधर बैठ, तू कहीं मत जाना। इस पे नजर रखो, इस पे नजर रखो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, जल्दी से इस लड़की की तलाश लो, इसने जरूर कुछ ना कुछ चोरी किया है। जल्दी कीजिए, तलाशी लीजिए, अच्छे से लीजिएगा। जी जी बिल्कुल मैम। मैम मैं चोर नहीं हूँ, कुछ नहीं चुराया है। तो मुझे बोला गया था यार जॉब मिलेगी, यहीं का एड्रेस दिया था तो मैं। मैम इनके बैग में तो कुछ भी नहीं है। कैसे हो सकता है? मुझे कहा गया था कि शादी का घर है, यहाँ हेल्पर की जरूरत है, जॉब मिलेगा तो मैं आ गई, पर यहाँ आने के बाद ये सब। सर मुझे मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है सर, प्लीज सर। हमें कोई जरूरत नहीं, तुम बाहर चलो मेरे साथ। जाओ जाओ, जल्दी लेकर जाओ इसे, जाओ, नजर रखना इस पे। सर आई एम सॉरी सर, गलती हो गई सर, सर दोबारा कभी नहीं होगी, प्लीज मुझे जॉब दे दीजिए सर। सर मेरे लिए जॉब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर, सर प्लीज। सुनो उसको काम पे रख लो, एक एक्स्ट्रा हेल्पर रखेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सब कुछ बिगड़ जाएगा अगर ये एक भी काम ठीक से नहीं करेगी ना, तो अपने भतीजे से कहकर इसके पैसे कटवा दूंगी। आई बड़ी, देश पर संकट है पर किससे, कौन हो सकता है, किससे खतरा हो सकता है देश को? Bro, what is this?
आज के दिन भी काम, आपको पता है ना मेरे साथ साथ आपका भी रोका है। चलिए उठिए, बटन लगाइए। क्या छोटे, तू हमेशा छोटा ही रहेगा, आज भी बड़े भाई से बटन लगवा रहे। Just grow up, dude. Who doesn't like बड़े भाई की pampering? अभी आप भी जल्दी से रेडी हो जाइए। रीम और रिया दोनों अपनी फैमिली के साथ आ रही है, जल्दी रेडी हो जाओ। ठीक है? Yeah. ये शेरवानी जल्दी दूल्हे को देके आओ, ऋषभ गुजराल को, ऊपर से राइट साइड में उनका कमरा। कम ऑन हरी अप, जल्दी करो, उनके पास जो शेरवानी उनकी फिटिंग की नहीं है। हे शिव जी, एक बार तो बच गई, दूसरी बार ये मौका ही नहीं दूंगी, वरना ये लोग तो मुझे नौकरी से ही निकाल देंगे। ये मयंक मुझे कितनी बार कॉल करता है, यही निकलवा के रहेगा मुझे नौकरी से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर काम, मैं यहाँ काम करती हूँ सर। सॉरी सर, वो मैनेजर ने कहा था कि दूल्हे को जाकर शेरवानी दे दो, तो मैंने। मैं ही दूल्हा हूँ। थैंक यू सर। आप यहीं रहते हैं? नहीं नहीं, मैं तो पड़ोस में रहता हूँ, यहाँ पर बस कपड़े बदलने आ जाता हूँ। और मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि अगर तुम्हें यहीं आना था तो वहाँ बीच सड़क में क्यों उतरी तुम? वो सर मुझे पता नहीं था ना कि आप भी यही रहते हैं, तो मैं कैसे आ जाती, तो इसीलिए सॉरी। झूठ। अब सच सच बताओ कि बात क्या है। सर एड्रेस यहीं का मिला था, यहाँ जॉब ही करने आई हूँ, सच बोल रही हूँ सर। सर प्लीज बस मैनेजर को मत बताना, मेरी जॉब चली जाएगी सर। अरे पर, अरे इस लड़की को कहीं तो देखा है मैंने, पर कहां? अरे आओ गले लगो। अंकल सॉरी, मैं अभी जस्ट बाहर से आ रहा हूँ, बाहर की कंडीशन तो आप जानते हैं, महामारी चल रही है, प्रिकॉशंस लेना ही सही रहेगा। मैं ये सब करके यहाँ कोई डिजीज नहीं फैलाना चाहता। अरे रिश्ता तो फैला रहे हो, तुम्हें तो गर्व महसूस होना चाहिए। अरे आज दो बड़े खानदानों के बीच में मिलन हो रहा है। थैंक्स टू गॉड तुम दोनों सेफ हो। अंकल थैंक्स टू दैट गर्ल जिसने हमें बचाया। अरे और वो लड़की अचानक से सांप बन गई। नागिन की कहानी तो हमने भी सुनी है बेबे और पुनीत भाई साहब से। उर्वशी कम 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 कम। नमस्ते भाई साहब। नागिन तो होती है बॉस। क्यों सीमा, होती है? अरे बिल्कुल होती है। देखा आंटी अंकल, डोंट टेल मी आप भी इन सब बातों में विश्वास रखते हैं, आपने भी नागिन ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अंकल आप इतने बड़े आर्म्स डीलर हैं, पूरी इंडियन आर्मी को आर्म्स आप सप्लाई करते हैं, देश के लिए इतनी बड़ी बड़ी डील्स करते हैं, और इसकी मनगढ़ंत कहानियों में आ गया। ये तो मेरी बेबी इतनी प्यारी है ना, इन सब बातों में बहुत विश्वास है। बस इन्हीं सब बातों का फायदा उठा के थोड़ा बहुत फंक्शन करने के लिए सुना दी इसने नागिन की कहानी है। अरे बट सच है। कौन नागिन? अरे जो इसके दिल और दिमाग में पड़ रही है वो नागिन। रितेश अपनी होने वाली बीवी को नागिन नहीं कहते। दिमाग की बात कर रहा था, दिल की नहीं। क्या पता नागिन ही दिखी हो। अरे नहीं नहीं अंकल, नागिन वागिन कुछ नहीं थी, रस्सी पड़ी होगी सड़क पे जिसको इसके दिमाग ने बोला कि नागिन है और मनगणत कहानियां बनाने लगा। अंकल आप भाई से आर्ग्यू मत करो, इनके लिए ये सब ना अंधविश्वास है। अंधविश्वास भी दो लफ्जों से बना होता है, पर तुम आज की जनरेशन सिर्फ अंध पे जाकर रुक जाते हो। अरे भाई इसके पीछे सदियों से चला आ रहा विश्वास भी तो है, हम बड़े शहर में रहने वालों को क्या पता छोटे छोटे शहरों में क्या होता है। लेकिन इस शहर में नागिन घूम रही है, किसी को कुछ नहीं पता कब कहां से किस रूप में आ जाए।
just excuse me, huh? उर्वशी तुम्हारी बेटियां कहाँ रह गई? हाँ, कहाँ है वो? जी वो हाँ लो आ गई. जल्दी पता लगाओ. सॉरी मैंने देखा नहीं. तुम्हारा यही तो प्रॉब्लम है कि तुम देखते ही नहीं. तुमने नोटिस किया कि मैंने तुम्हारी फेवरेट कलर पहनी है? तुमने ये भी नोटिस नहीं किया होगा ना कि मेरी आंखें हमेशा तुम्हें ढूंढती रहती हैं. हमेशा गायब रहते हो ऋषभ, कहाँ खोए रहते हो? बट लिसन ना बेबी, आज से हमारे बीच में नो सीक्रेट्स. ओके, हमारी शादी होने वाली है और मैं तुम्हारी बेटर हाफ बनने वाली हूँ. रीम, मैं, वी आर फ्रेंड्स, तुमसे कुछ छुपा नहीं रहा. इट वाज जस्ट अ वर्क कॉल, नथिंग एल्स. ऋषभ, माना कि हम दोस्त हैं लेकिन हमारी शादी होने वाली है, थोड़ा सा तो रोमांटिक बन सकते हैं ना? मैंने तुमसे कहा ना, वी आर जस्ट फ्रेंड्स. तुम मुझे बचपन से जानती हो और वैसे भी हमारी मैरिज अरेंज्ड है, तो ऑल ऑफ अ सडन आई कांट गेट रोमांटिक इन एवरीथिंग. यो, मैं कोई रोमियो टाइप्स का तो हूँ नहीं कि तुम मुझसे रूठ जाओगी तो मैं फूल और चॉकलेट्स और ये सब लेके तुम्हारे पीछे. ये सब मैं मांग भी नहीं रही हूँ, बस थोड़ी सी सॉफ्टनेस, थोड़ा सा रोमांस. आखिर ऋषभ, हमें पूरी जिंदगी साथ में बितानी है. जस्ट एक्सक्यूज मी. ये है हमारी सिक्योरिटी हेड हिना खन्ना. अब से हमारे घर का सिक्योरिटी चार्ज यही संभालेंगी. हेलो सर. हेलो. आप चलिए, हम चलते हैं. आइए. हाँ, आपने बताया नहीं कार में? सिक्योरिटी मींस रक्षा, यानी कि सीक्रेट. मैं आपको लिफ्ट देती घर तक छोड़ा, तो कैसे बताती मैं आपको अपना सीक्रेट कि आई एम द सिक्योरिटी इन चार्ज. हम काम ज़्यादा बातें कम करते हैं, इसीलिए आपने हमें घर तक ड्रॉप किया. सर ने हाय किया था. थैंक्स टू सर. हम मिले. ये लड़की क्या वही है? ये सच में केटरिंग ग्रुप के साथ है या और कोई बात है, कोई और राज है? ओ नो, ये यहां भी आ गया. कैसे घूर घूर के देख रहा है. हे भैया, क्या है? लगता है आज मेरी किस्मत मुझ पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है. आई कांट बिलीव आप मेरे सामने खड़ी है. पर काम कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? ये प्रथा मेरे भाई से इतनी बातें क्यों कर रही है? इस लड़की का कुछ तो मकसद है, क्या हो सकता है? ऋषभ, किसे देख रहे हो? Who's that girl? वो लड़की कौन है जिसके साथ रितेश इतनी फ्रेंडली होके बात कर रहा है? ये वही लड़की है जिसने हमारी जान बचाई. मतलब क्या हुआ था? मतलब कुछ एक्सीडेंट हुआ था? Are you okay? मतलब चोट वोट तो नहीं लगी है, right? चोट को मैं लगता. Don't forget I'm an army man. या अपनी सौतन को कैसे भूल सकती हूँ मैं? ये कैसा मजाक कर रही हूँ? Just kidding यार. वैसे ये रित्स क्या बोल रहा था? कुछ सांप देखा उसने जो इंसान बन गया और फिर गायब हो गया. नॉर्मल लगता है आजकल थोड़ा ज्यादा ही टीवी देखता है. यू नो, मुझे बड़ा दुख है कि मैं आर्मी नहीं ज्वाइन कर पाया, इसीलिए मेरा एक ही गर्व है. ऋषभ बेटा, मेरे पापा की तरह उसने भी देश का सोचा, आर्मी ज्वाइन की और आज मेरे फैमिली फ्रेंड की बेटी से शादी करने जा रहा है. इस बात की तो हमें भी बहुत खुशी है ललित साहब. आज दो लोग नहीं, दो परिवार जुड़ेंगे. बिल्कुल. पता है इस पार्टी की सबसे खास बात क्या है? ये शहर में अब तक की सबसे शानदार पार्टी होगी. जरूर होगी. बिल्कुल सही बोला. पर सुनो, एक्सक्यूज मी, पांचवी ड्रिंक है ये. बस लास्ट बनाए गौर.
सर हमारी नई सिक्योरिटी हेड आ गई। सॉरी, मैं आपको बताना ही चाहती थी, पर फिर मैंने सोचा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ड्रामेटिक करूं। कैसा लगा? माइंड ब्लोइंग। आप अपनी शादी की बिल्कुल फिक्र मत लीजिए, हमारा प्रोटेक्शन हर जगह है, एक भी एक्स्ट्रा आदमी नहीं है, हाई प्रोफाइल शादी है, और वैसे मेरे पास गन है, डोंट वरी, लाइसेंस है मेरे पास। आपका? शी इज द हेड ऑफ आवर सिक्योरिटी एंड इन फैक्ट आज इन्होंने हमें घर तक लिफ्ट दी। गाइस, आई जस्ट वांट टू टेल यू, डोंट वरी, मेरी नजर चारों तरफ है, अगर किसी पर भी शक हुआ तो वो मेरे कैद में होगा। सॉरी सर, मैंने आपको देखकर इसलिए चेक करने आ गई, आपके पैर में प्रॉब्लम? हाँ है, क्रैम्प्स हैं। ओह मतलब ठीक है, मतलब नॉर्मल है आपका पैर? हाँ। आप सिक्योरिटी हेड है ना, दूसरों पर नजर रखिए, मेरी फैमिली पर नहीं। ये मेरे पति है और ये मेरा बेटा है। जी मैम। एक्सक्यूज मी, मैं बहुत फिट हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास। देखिए वो चली गई है। हेलो, एक्सक्यूज मी, वो चली गई है, आप चलिए मेरे साथ। हाँ चलिए। उधर नहीं, उधर। हाँ, आफ्टर यू जान। अगर ये वो सुनी तो कौन कहा सुन। कहाँ जा रही है? मुझे उस तक पहुंचना है। देखते हैं मीना। हाय। तेरी लाइफ तो कभी खुशी कभी गम टाइप होने वाली है। बिल्कुल हॉट शॉट। व्हाट? वो दे। हियर यू आर गेटिंग मैरिड टू रितेश गुजराल और वहां तेरा जूनियर गुजराल busy on another line. ये लड़की यहाँ पे काम करने आई है या रितेश पे डोरे डाले? अभी बताती हूँ उसे। जी हो तो आप बता देना। I will be there, okay? एक सेकंड, क्या कर रही हो? It's paining. छोड़ो। शादी से पहले ही छोड़ो। What? हमारी शादी होने वाली है और तुम मुझे छोड़ के इस लड़की के साथ? तुम मुझसे एक भी बार मिलने भी नहीं आए। Actually वो थोड़ा बिजी था। हाँ हाँ, दिख रहा है कि तुम कहाँ बिजी थे। रिया की लाइफ से पंगा लेगा ना, उसकी लाइफ में दंगा होगा। कम यो, दो लार्ज ग्लास बनाना। रिया, व्हाट इज दिस? तुम्हारे लिए, पियो। सर मैम, मैं हाँ तुम। आई एम सॉरी मैम, मैं ड्रिंक नहीं करती। ओ कम ऑन, अब अपने संस्कारों का ये हाई प्रोफाइल शोकेस भी मत लगाओ जो है ही नहीं, क्योंकि अगर होता ना तो मेरे होने वाले हस्बैंड के साथ तुम ऐसे फ्लर्ट नहीं करती। पियो, जस्ट ड्रिंक। नहीं मैम, मैंने तो ऐसे। ओह कम ऑन, जस्ट ड्रिंक इट। पियो। लिसन, डोंट क्राई, दैट्स ओके। इट्स नॉट ओके। मैरिज ऑफ। कैसे लोगों को रखा है आपने स्टाफ में? फायर हो, फायर राइट नाउ। सिया, ये क्या कर रही हो? और ये क्या कर रही है? मेरे होने वाले पति पे डोरे डाल रही है। इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस रबिश। जो कहा है वो करो, इसे अभी के अभी यहां से निकालो। मैम, मुझसे कोई गलती नहीं हुई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप गलत समझ रही है मैम। तुम चलो मेरे साथ। बेबी कम ऑन, नाउ लेट्स एंजॉय द पार्टी, ओके? सर प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने वार्न किया था ना तुम्हें, किसी भी फैमिली वाले से क्लोज होने से ज्यादा किसी से पर्सनल होने से। सर पर मैं पर्सनल हो ही नहीं रही थी, वो सामने से ही ज्यादा बात करने लगी। तुमने क्यों की? इशू हो गया ना। नाम सॉरी, प्लीज लीव। सर आप प्लीज एक बार बॉस से बात करके देख लीजिए ना, शायद वो कुछ कर सके। मैं ये जॉब नहीं खो सकती सर। ओके मैं देखता हूँ, पर अभी के लिए तुम प्लीज घर से बाहर जाओ।
दोनों। यस सर। क्या हुआ? सर एक्चुअली रिया मैडम ने उसे जॉब से फायर करने के लिए कहा और क्लाइंट्स आपके फ्रेंड्स हैं, उनको मना नहीं कर पाया। ठीक है, उसको मेरे पास भेजो। एज यू विश। आउट हाउस में। श्योर सर। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जिस दिन जॉब मिलती है उसी दिन हाथ से चली जाती है। मेरी कोई गलती भी नहीं होती, फिर भी सब कुछ गलत ही हो जाता है। हे शिव जी, बस ये जॉब बचा लेना। अरे सुनो लड़की, इवेंट के ओनर तुमसे मिलना चाहते हैं, वहां आउट हाउस में मिलेंगे। थोड़ा अच्छे से दिल से सॉरी वॉरी बोल देना, क्या पता तुम्हारी जॉब तुम्हें वापस दे दें। ठीक है, चलो जाओ। हे शिव जी, आपने मेरी मदद करी थी, बस सर मुझे जॉब दे दे, इस जॉब की मुझे बहुत जरूरत है। शायद वो होगा इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। तुम्हें जॉब चाहिए ना, मतलब में कुछ तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तुम कौन हो? मैं यहाँ की सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। मुझे सिक्योर क्यों नहीं करती? आप ठीक तो हो? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? चाहिए? मैं आपके लिए स्टार्टर भिजवाती हूँ। अरे रुको, वैसे तो मैं किसी और का इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुमसे भी दिल कंट्रोल आ जाएगा। थोड़ा माहौल बनाते हैं, ड्रिंक्स व्रिंक्स करते हैं। मैं शराब नहीं पीती हूँ। तो क्या पीती हो? खून। क्या? खून में अगर गर्मी हो तो इस ठंडी की मौसम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कौन हो तुम? नागिन आमिर!